हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का नंदिनी किचन में। तो आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही हेल्दी और एक बहुत ही टेस्टी पराठा की रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज हम बनाएंगे पालक पराठा। वैसे तो पालक पराठा आप लोगों ने बहुत बनाए होंगे और खाए होंगे, लेकिन इस तरीके से आप बनाएं ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं। तो पालक पराठा बनाने के लिए हमने यहाँ पे पालंग साग ले लिया है। दोस्तों देखिए, हमने जो पालंग साग लिया है इसमें जड़ लगे हुए हैं, तो हम इस जड़ को अलग कर देंगे। हमें सिर्फ पत्तों का इस्तेमाल करना है और इसे अच्छे तरीके से धो लेंगे। अब यहाँ देखिए दोस्तों, हमने पत्तों को बारीक चॉप कर लिया है। आप इसे रफली चॉप कर ले, ये देखिए। अब यहाँ पे हम एक कढ़ाई ले रहे हैं और कढ़ाई में हम 1 टेबल स्पून तेल ऐड करेंगे। तेल जैसे ही हल्का गर्म हो जाए दोस्तों, हम इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। जीरा जैसे ही हल्का चटक जाए, हम इसमें 1 छोटा प्याज बारीक चॉप किया हुआ ऐड कर देंगे, ये देखिए। अब हम प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। इस प्रोसेस को आप लो टू मीडियम फ्लेम पे ही करें। ये देखिए, हमारे प्याज बहुत अच्छे तरीके से भून रहे हैं। प्याज हमारे हल्के भून गए हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले नमक, इसके बाद 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। अब सभी मसालों को ऐड करने के बाद हम इसे 1 मिनट तक के लिए और भून लेंगे, ये देखिए। अब इसके बाद हमने क्यूब्स में कट किए हुए टमाटर रखे थे, हमने यहाँ पे 1 छोटा टमाटर का इस्तेमाल किया है। और इसके बाद 1 हरी मिर्च को चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। प्याज टमाटर मसालों को ऐड करने की वजह से यह पराठा बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है। अब इसके बाद हम इसमें 1 चुटकी गरम मसाला पाउडर ऐड कर रहे हैं। और इसके बाद हमने जो बारीक चॉप करके रखा था पालक के पत्तों को इसमें ऐड करके हम इसे 1 से 2 मिनट तक के लिए पका लेंगे। अब पालक के पत्तों को ऐड करने के बाद हम सभी चीज़ों को एक बार अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आपने पहले कभी ये पालक पराठा नहीं बनाया होगा। आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर बताएं। अब हम इसे ढक के 1 से 2 मिनट तक के लिए पका लेंगे, ताकि हमारे पालक के पत्ते थोड़े सॉफ्ट हो जाए। अब इसके बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून ग्रेट किया हुआ अदरक ऐड कर रहे हैं और 1/2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। अब सभी चीज़ों को हम एक बार अच्छे तरीके से मिला लेंगे। हम इसे लास्ट में ऐड कर रहे हैं दोस्तों, ताकि इसका जो टेस्ट है वो पालक के पत्तों में लास्ट तक बना रहे। ये देखिए, हमारा मिक्सर तैयार हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिक्सर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जब तक हमारा मिक्सर उधर ठंडा होता है, चलिए हम आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है दोस्तों। आप चाहे तो इसे मैदे से भी बना सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून बेसन ऐड कर रहे हैं। इससे हमारे पराठे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनने वाले हैं। अब इसके बाद 1 चुटकी हींग, इसके बाद नमक आप इसमें डाल दें। नमक आप स्वाद अनुसार ले ले दोस्तों। और इसके बाद 1/2 टीस्पून अजवाइन, अजवाइन को आप थोड़ा सा हाथों से क्रश करके डालें, इससे पराठे में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब लास्ट में हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे दोस्तों, ये देखिए। ऑयल को ऐड करने की वजह से हमारे पराठे जो है और भी ज़्यादा करारे बनेंगे। और लास्ट में हम इसमें 1 चुटकी चीनी ऐड कर रहे हैं, बस इस पराठे को हल्की सी मिठास देने के लिए। अब यहाँ देखिए दोस्तों, हमारे जो पालक का जो मिक्सर था वो ठंडा हो गया है। अब हम इसे मिक्सिंग जार में ले लेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना के तैयार करेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, इस पेस्ट को बनाते समय आप पानी का इस्तेमाल ना करें। अब इस पेस्ट को हम आटे में ऐड कर देंगे। अब सभी चीज़ों को मिलाते हुए हम आटे का एक सॉफ्ट डो लगा के तैयार करेंगे। बिल्कुल जैसे पराठों के लिए हम करते हैं, बिल्कुल हमें वैसे ही आटे का डो लगा के तैयार करना है। ये देखिए, हमने पहले हल्के हाथों से ऐसे ही गूंद लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका एक डो लगा के तैयार कर लेंगे। अब यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोगों ने आटा लगा के तैयार कर लिया है और मैं दिखाती हूँ। देखिए, ये इतना ही सॉफ्ट है। अब हम इसे ढक के 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब 15 मिनट का समय हो गया है दोस्तों, और हमारा आटा भी अच्छा रेस्ट कर चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे लोई बना लेंगे, देखिए। अब उसके बाद हमने इसे चिकना कर लिया है, उसे पेड़े का आकार दे दिया है। अब हम इसे थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे और उसे हम
जैसा भी आप चाहे आप इसे बेल सकते हैं। मैं इसे ट्रायंगल के शेप में बेलूंगी, अगर आप चाहे तो आप इसे गोल भी रख सकते हैं। ये देखिए मैंने हल्के हाथों से पहले से हल्का सा बेल लिया है। अब बेलने के बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून तेल ऐड करेंगे। तेल को ऐड करके इसे अच्छे तरीके से हम फैला लेंगे अपने हाथों की मदद से, देखिए बिल्कुल इस तरीके से। इस प्रोसेस के करने की वजह से हमारे पराठों में बहुत ही अच्छा लेयर आता है और अच्छे करारे बनते हैं हमारे पराठे। ये देखिए इस तरीके से हम लोगों ने ट्रायंगल का शेप दे दिया अपने पराठे को। अब हम इसे सूखे आटे में एक बार फिर से लगा लेंगे, ये देखिए, और उसके बाद हम इसे बेल लेंगे धीरे धीरे करके। अब लीजिए दोस्तों, हमने पहला पराठा बेल के तैयार कर लिया है, ये देखिए। अब हम इसे एक तवे में ऐड करेंगे। तवा को हमने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, ये देखिए तवा हमारा हल्का गर्म हो गया है। अब हमने पराठे को इसमें सेक लिया था दोनों साइड से। अब हम इसमें दोनों साइड में तेल ऐड करते हुए इसे 1 से 2 मिनट तक के लिए और पका लेंगे। आप चाहे तो इसे घी में भी सेक सकते हैं, इससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये देखिए हमारा पालक पराठा बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम सारे पराठे बना के तैयार करेंगे। ये पराठा इतना ज़्यादा करारा और टेस्टी है दोस्तों कि इसे खाने के लिए सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बस थोड़ा सा अचार ही काफ़ी है इसके लिए। इसे आप बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं, ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।